भोपाल का एक और किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। उस समय जब देश आजाद हुआ तब वहाँ के जो नवाब थे वो हमीदुल्ला खां थे। वर्ष 1948 की बात है जब हमीदुल्ला खां ने भोपाल के नागरिकों की पूरी जमा पूंजी खत्म कर दी। दरअसल वाक्य कुछ इस प्रकार से है कि वर्ष 1948 में भोपाल के एक बैंक थी जिसकी एक और शाखा हमीदुल्ला खां ने वहाँ कराची में खोल दी और यहाँ की जो बैंक थी बैंक ऑफ भोपाल वो दिवाला हो गई और उसमें जो भोपाल की जनता की जमा पूंजी थी वो सब नष्ट हो गई और बेचारे नागरिक काफ़ी परेशान हुए। ऐसे कुछ भोपाल के नवाब साहब थे। हमीदुल्ला खान ये वही हैं जिन्होंने भोपाल रियासत को देश में विलय होने से मना कर दिया था और जब केंद्र की ओर से खासकर की जब अपने सरदार पटेल जी की ओर से काफ़ी प्रयास करने के बाद भोपाल को भारत में विलय किया उसके बाद नवाब यहाँ ना रहकर सीधा इंग्लैंड चले गए और उनकी जो बेटी थी उसको पाकिस्तान भेज दिया। तो आपने देखा कि जब लगने लगा कि भोपाल विलय होगा भारत में तो उस समय पे वहाँ के जो नवाब हुए हमीदुल्ला खान ने उन्होंने पूरी की पूरी जो बैंक ऑफ भोपाल थी उसकी एक और ब्रांच कराची में खोल दी और यहाँ की बैंक को दिवाला घोषित कर दिया गया जिसकी वजह से नागरिक काफ़ी परेशान हुए।